अरे बेटा, ये सुमन और मोनिका जी कहाँ रह गए? वो लोग मंडप और जन्मवासी की सजावट देखने गए हैं। बस आती ही होंगी। यहाँ आप लोग देर रात तक बैठकर ढेर सारी बातें कर सकते हैं और मौका मिले तो हम भी आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। सही, आपके साथ अपनी लखनऊ वाली जिंदगी जीने। हाँ बेटा, आप जरूर आ जाइएगा, वरना हमें लगेगा कि हम लखनऊ बैठे हुए हैं। आप लोगों को भी बुला लिया मंगला ने। एक बात बताइए बेटा, क्या आपको सच्ची में लगता है कि आपके ससुराल वाले हमें यहाँ शादी में बुला के खुश हैं? पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि समाज और रिश्तेदारों के सामने आज भी आपके घर वाले हमें समधी और संधन के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आपको तो बुलाना ही था। सुधीर जी दीपक भैया के तो दोस्त थे और उनकी जान पहचान के वजह से ही तो ये रिश्ता हो पाया है। आप वो सब छोड़िए, आइए ना, बैठिए ना। हम बहुत खुश हैं कि आप लोग आए और मोनिका दीदी को साथ लाकर आपने बहुत अच्छा किया। माँ, आपने अपनी बूंदे प्रार्थना को दे दी। वो तो दादी ने आपकी शादी के वक्त एक निशानी के तौर पे दी थी ना बेटा। वो आपके यहाँ शादी में आ रहे थे तो खाली हाथ कैसे आते, और निमंत्रण कार्ड हमें रात में मिला, इसलिए हम लोग कुछ खरीद नहीं पाए तो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ गुड्डू, यहाँ रखो। हाँ माँ जी, बाबू जी, आप लोग अच्छे से तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं ना? हाँ हाँ बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। आप बैठिए ना। आप वो तो मैं बैठता हूँ, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी या कुछ भी बात हो तो मुझे आप बता दीजिएगा। अच्छा बेटा, आप भी हमारे साथ चाय पीजिए ना, थोड़ी बातें हो जाएंगी। बाबू जी, मैं चाहता हूँ आपके साथ बैठ के चाय पीऊँ, पर क्या करूँ, शादी का घर है ना, 50 काम बिखरे पड़े, आपको तो मालूम ही है, सारा मुझे ही देखना है। अब आप ऐसा कीजिए, आप लोग पूनम जी के हिस्से की बातें कीजिए, मैं अपने हिस्से की बातें बाद में आकर आपसे अच्छे से बतियाऊंगा। मैं अभी आता हूं। और हाँ पूनम जी, एक और बात, भाई लखनऊ से आए हमारे मेहमानों का आप खास ख्याल रखिएगा। अरे सीतापुर में इनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अब किसी तरह की कमी रह गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। समझ गई आप जी? हम आपके मेहमानों को अपना समझकर अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र रहिए। बहुत अच्छे, ठीक है। पिछले जन्म के पुण्य होंगे जो हमें इतने अच्छे दामाद मिले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं वंदना जी, इन्हें हमने नहीं चुना, बल्कि हमारे लिए भगवान ने चुन के भेजा है। आज आकाश जी और आपको एक दूसरे के साथ इतना खुश देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है बेटा। अच्छा बेटा, आकाश जी के अलावा आपके बाकी के घर वाले आपका ख्याल तो रखते हैं ना? यहाँ सब ठीक है माँ, आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो पापा, आप कितने कमजोर हो गए हैं? क्या माँ, आप ठीक से पापा का ध्यान नहीं रखती क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। तो क्या वो आपकी जॉब में बहुत मेहनत लगती होगी ना, तो फिर आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। अरे हमारी उम्र हो गई है, आपके पापा हमेशा जवान ही रहेंगे। ये शरीर एक मशीन है बेटा, घिस घिस के पुरानी तो हो गई है ना। साधना, आप कौन सी नई जूली देख ली आपने जो आपको पसंद नहीं आ रही है? अरे अरे परेशान मत होइए, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब
मतलब ज्वेलरी तो बस एक बहाना था आपको यहाँ बुलाने के लिए। प्रार्थना आप भी ना, बताइए क्या बात है। बात कुछ नहीं है, बस आपको एक चीज देनी थी जो आप मेरी शादी में पहनेंगे। क्या? ये क्या है? मुझे क्या पता, खोल के देखिए ना। अरे प्रार्थना, ये तो वही चूड़िया है ना जो हम उस दिन लेकर आए थे जब हम आपके लिए शॉपिंग करने गए थे। ये वही है। वो जब मैंने अम्मा से कहा कि ये चूड़िया आपकी साड़ी पे बहुत मैच करेंगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये चूड़िया मैं उनकी तरफ से आपको दे दी। अच्छी लगी आपको? बहुत प्यारी। लेकिन प्रार्थना, हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी चूड़ियां हैं। वो सब मैं नहीं जानती, आपको यही पहननी पड़ेगी। ठीक है, आपको थैंक यू और माँ जी को धन्यवाद। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगी जो आपके पास नहीं है। क्या? ये वाली बिंदी है, ये आपको कहाँ मिली? ये तो हमने सिर्फ लखनऊ में देखी है। और आप कब लाए? मैं कब लाए? ऐसा लगा जैसे रखने स्कूटर को टक्कर मार दी। अरे मोहतरमा जरा संभल के, अजनबी घर है। हमारी पूनम का ससुराल है, अजनबी कैसा? और वैसे भी आकाश जी फूल हमसे ही लेते हैं, ये मोनिका उनको बचपन से जानती है। मोनिका? वाह, क्या लल्लन टॉप नाम है। वैसे आपका नाम ये रखा किसने? क्यों, अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा है तो रख लो। नहीं कोई जरूरत नहीं है, अपना नाम अपने पास ही रखिए। अरे मैं उस दिन क्या बोल रहा था तुम्हें? वैसे आप पर सूट करेगा, आपकी जानकारी के लिए बता देते, हमारा नाम हमारे माँ बाप ने उस समय का फेमस गाना था, मोनिका ओ माय डार्लिंग, इसीलिए हमारे माँ बाप ने हमारा नाम मोनिका रखा ताकि हम भी हीरोइन की तरह ही फेमस हो जाए। वैसे भी हम उसी की तरह जो दिखते हैं। नाम बदलने से टुनटुन कोई श्रीदेवी बन जाती है क्या? पान खाने से कोई नवाब नहीं बन जाता। कहीं इसने अपनी पान की पीक मेरी साड़ी पे तो नहीं पहुंच दी? क्या? ये धब्बा, आपने ये धब्बा मेरी साड़ी पर लगाया है ना? अरे धब्बे का बहाना करके आप मेरी शान पे छींटे उड़ा रही है, और वो भी मेरे घर में। आप जानती किससे बात कर रही है? तो आप ही बता दीजिए ना, आप कहाँ के शहंशाह हैं? क्या बताऊँ, आप कहीं की राजकुमारी है या महाराणी साहिबा? अरे 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 रुकिए, क्या हो गया मामा जी? क्या हुआ मोनिका दीदी? आकाश जी, ये साड़ी हमको शाम को पहननी थी, इसलिए प्रेस करवाना था। कोई बात नहीं, अभी करवा देते। अब रानी जी, आकाश जी, अरे ये साड़ी लेकर जाओ, प्रेस करवा के मोनिका दीदी के कमरे में पहुंचा देना। जी। अब ठीक है मोनिका दीदी, धरती पे गोद पीक की दुखा। अरे
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।